नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका पॉलिसी प्लान डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फायर इंश्योरेंस का जो क्लेम प्रोसेस है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो SME इंश्योरेंसेस मतलब स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए जितने भी इंश्योरेंसेस लगते हैं उन सभी टाइप के इंश्योरेंसेस के लिए हमने एक वीडियो का सीरीज चालू किया है, जिसमें पहले हमने ग्रुप मेडिक्लेम, फिर वर्कमैन कंपनसेशन और फायर इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। तो अभी जो है वो फायर इंश्योरेंस का क्लेम उसके प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। इस वीडियो में आपको फायर इंश्योरेंस के क्लेम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर फायर इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो उसकी जो लिंक है वीडियो की वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप मतलब जब भी कोई हादसा हो गया है जिन्होंने पॉलिसी लेके रखी है फायर की, तो उन्होंने पहले करना है कि कंपनी को इंटीमेट करना है, कंपनी को एक सूचना देना है, कंपनी को सूचित करना है, या फोन के द्वारा या ईमेल द्वारा या पर्सनली ऑफिस में जाके आपको लिखित रूप में इंटीमेट करना है। तो इंटीमेशन ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है। ओके, उसका एक आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा ईमेल के ऊपर, या अगर आपने फोन किया तो भी आपके ईमेल जो रजिस्टर मेल आईडी है उसके ऊपर आपको उसका एक इंटीमेशन का नंबर आएगा, जिसको बोला जाता है क्लेम इंटीमेशन नंबर। जब आप क्लेम इंटीमेट करोगे तो आपको क्या क्या बताना है, डेट एंड टाइम ऑफ द लॉस, ओके, डैमेज ऑफ द लॉस, उसके बाद क्या कंडीशंस थी, किस कारण से ये हादसा हो गया, ओके, वो बताना है। अगर कोई पुलिस FIR हुआ है तो उसका भी आपको बताना है। उसके बाद किसी को बॉडीली इंजरी हुई है या किसी का डेथ हुआ है तो वो भी आपको बताना है। अगर जो FIR हुआ है पुलिस का वो ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि उन्होंने जो पंचनामा किया है FIR में जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंटीमेशन ऑफ द क्लेम। क्लेम इंटीमेशन के बाद आपके लिए एक सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा, वो एक थर्ड पार्टी सर्वेयर हो सकता है या इन हाउस सर्वेयर हो सकता है, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि वो थर्ड पार्टी रहेगा सर्वेयर या इन हाउस रहेगा। तो सर्वेयर का काम क्या रहेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, आएगा, चेक करेगा, फोटोग्राफ लेगा, सभी प्रूफ चेक करेगा, ओके, उसका एक एस्टिमेट बनाएगा, वो कंपनी को प्रेजेंट करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब तक सर्वेयर नहीं आता तब तक कुछ भी आपको वहां पे जो है छेड़खानी नहीं करनी है, उसको सर्वेयर का काम होने के बाद ही आपको वहां पे रिपेयरिंग का काम करना है। बाय द वे, ये जो क्लेम है ये कैशलेस तो नहीं होगा, ये रिएम्बर्समेंट ही होगा, मतलब क्लेम सैंक्शन होगा और आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको सब कुछ करना है, मतलब इन्वेस्टिगेशन का सर्वेयर का एक रिपोर्ट जाएगा कंपनी को, तो तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अदरवाइज क्लेम को प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए दोस्तों, एक क्लेम के प्रोसेस के बारे में एक रिकमेंडेशन आपको देंगे कि जो भी आप क्लेम करोगे उसका प्रोसेस जितना शॉर्टेस्ट टाइम में खत्म होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब भी ये फायर का हादसा होता है, फायर का क्लेम होता है, तो नेचुरली डिजास्टर ऐसा रहता है कि आपका जो अगर काम करने का गोडाउन है, आपका काम करने का कोई दुकान है या कोई मॉल है जहां पे आग लग चुकी है, तो आपका काम तो पूरी तरह ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, तो उस केस में आप कंपनी को एक काम चालू करने के लिए अमाउंट या फंड मांग सकते हो। अगर आपकी पॉलिसी में प्रोविजन रहेगी तो पूरा क्लेम मिलने से पहले आपको कुछ अमाउंट रिलीज की जा सकती है, अगर आपके पॉलिसी में प्रोविजन हो तो। सबसे मेन मुद्दा आता है कि कितना क्लेम मिलने जा रहा है। देखिए, जितना सम इंश्योर्ड है उसके ऊपर तो नहीं मिलेगा क्लेम, लेकिन कंपनी चाहेगी कि जितना कम से कम क्लेम मिले उतना कंपनी के लिए अच्छा है। तो कंपनी पहले इसको एस्टिमेट करती है, एस्टिमेट में आपको भी दिखाया जाता है आप इस एस्टिमेट के लिए एग्री हो या नहीं। तो आपको क्या करना है, जितना भी डैमेजेस हुआ है उस किसी भी चीज को रिपेयर नहीं करना है, कोई भी एविडेंस जो है जब तक एस्टिमेट बनेगा नहीं तब तक आपको उसको एविडेंस को हटाना नहीं है, कुछ भी उसमें रिपेयर नहीं करना है। जितने भी बर्न्ड आइटम, जितने भी आग लग चुके आइटम्स है आपके, उनको आपको डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है, वो एविडेंस के रूप में माने जाएंगे ताकि आपको क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो, आसानी जाए। तो एक बार रिपीट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले अगर कुछ हादसा हो जाता है, कुछ इवेंट हो जाता है फायर का, तो जहां से आपने पॉलिसी ली है उस एडवाइजर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, और कंपनी से भी आपको फोन पे मतलब टोल फ्री पे फोन करना है, या कंपनी के प्रॉपर मेल लिखिए या ब्रांच में जाके सबमिट कीजिए। आपको इंटीमेट करना जरूरी है, इंटीमेशन नंबर को आपके मेल पे रिसीव कीजिए, प्रॉपर हमने जो बताया वो सब डॉक्यूमेंटेशन उनको दीजिए, ओके, और जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो उसको फटाफट सबमिट कीजिए। क्लेम के प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, ओके, आप उनसे एडवांस भी मांग सकते हैं, ओके, जितना आप उनको कोऑपरेट करेंगे और जितना जल्दी क्लेम क्लोज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाय द वे, हम लोग भी इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं, हम भी आपके क्लेम में सहायता कर सकते हैं।
अगर इनकेस किसी के साथ ऐसा फायर का हादसा हुआ है और उनके पास पॉलिसी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके क्लेम को कंप्लीट करने के लिए सहायता करेंगे। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए दोस्तों, और अगर आपको हमारे टॉपिक्स अच्छे लगते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगले वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लिखना मत भूलिए दोस्तों। आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो इतना समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।